औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिजवान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, मुझे तवातर से कॉल्स आ रही हैं, ईमेल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं उन जवानों के जिनकी अभी शादी नहीं हुई, जो मर्दाना तौर पर अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जो जिनसी तौर पर अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, या जिनको जिनसी तरबियत नहीं मिली और वो मायूस हैं। मुझे हर रोज़ दिन में, पहले मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई और उनको देख के नौजवानों ने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने हौसला किया है इतने बड़े मौजू को बरसरे आम बयान करने का, और हमारी ये बहुत सारी मुश्किलात थी जो हमें पता नहीं चल रहा था कि इनका हल कहाँ से लेंगे, तो वो आपने बहुत आसानी से हल की हैं। इस मौजू पर और वीडियोस बनाए, और वीडियोस, हर रोज़ मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अगली वीडियो नहीं बनाए। तो मैंने पिछले 8-10 दिन से कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी, तो मैंने उनसे वादा किया था, आपसे भी वादा किया था कि मुसलसल इस मौजू पर वीडियोज़ बनेंगी। आज की ये वीडियो भी उसी मसले के बारे में कि नौजवान अपने आप को नामर्द क्यों समझते हैं और वो नामर्द क्यों हो जाते हैं। आज इसी वीडियो को आप आखिर तक देखें, आपके बहुत सारे मसाइल हल करेगी। वीडियो को छोड़ के अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको कोई मसरूफ़ी है तो आप वीडियो को बंद कर दें और जाके अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। देखें, जो भी जवान पैदा होता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि जो भी जवान पैदा होता है, जो मर्द पैदा होता है, वो ना मर्द नहीं होता। बस फ़र्क इतना है कि उसे जिनसी तालीम और तरबियत नहीं दी गई होती, और उस जिनसी तालीम और तरबियत के बग़ैर ही वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लिहाजा उसे ना मर्दी का लफ्ज़ उसने सुन लिया होता कहीं ना कहीं से, तो वो ना मर्दी का वो लफ्ज़ लेके अपने ऊपर फिट कर लेता कि मैं ना मर्द हूँ या मैं जिनसी तौर पर कामयाब नहीं। हालाँ मामला यहाँ पर कुछ और है। फ़र्ज़ करें एक किसी जगह से देहाती चंद 15-20 नौजवान लें और जाके उनको किसी बड़ी सी फर्म में छोड़ें और वहाँ पर जदीद किस्म के कंप्यूटर्स हों, और उन देहाती अनपढ़ लोगों को कहें कि आप ये कंप्यूटर्स चलाएं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो देहाती उस कंप्यूटर्स को चला लेंगे? बल्कि सबसे पहले तो वो उस कंप्यूटर को हाथ लगाते हुए डरेंगे, खौफ पैदा हो जाएगा उन्हें, टेंशन होगी, वो कांप रहे होंगे कि हाय ये कहाँ पर आ गए, हम किस जगह पर आ गए, ये कौन सी जगह, हम कैसे इसको चलाएंगे, इसका बटन है, ये क्या करना है, ख़राब ही ना हो जाए हमसे, अगर हमें जॉब से ही ना निकाल दिया जाए, बहुत सारे इस तरह के ख्याल उनके जहन में पैदा होंगे। या एक नया इंसान जिसने कभी साइकिल भी नहीं चलाई, उसे एक कार में बिठा दें, कार में बिठा के उसे कहें कि इस कार को आपने 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से चलाना है, आपका क्या ख्याल है वो कार में बैठेगा? कार को हाथ भी नहीं लगाएगा, डरेगा, खौफ खाएगा, अपने आप को वो नाकाम तसव्वुर करने लगेगा, डरेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो तरह तरह के खौफ उसे लाहक होंगे। कोई भी इंसान जिस काम को नहीं करना जानता या जिसके बारे में उसे मालूमात नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। बस ये एक सादा सी मिसाल है, इसी से आप समझ लें। कोई भी ऐसा इंसान जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसे इंग्लिश की किताबों का ढेर दे दें, उसने कभी उर्दू की किताब भी ना पढ़ी, उसे इंग्लिश किताबों का ढेर दे दें और उसे कहें कि ये सारी किताबें पढ़ के सुनाएं, वो नहीं पढ़ सकता। उसे पता ही नहीं है ABC क्या होती है, किताब क्या होती है, किताब उसने खोल के कभी नहीं देखी, तो वो इसको डरेगा, इसे खौफ खाएगा, उसने पहली दफ़ा किताब देखी है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि वो नौजवान जिसकी अभी शादी होनी है या जिसकी अभी शादी हो चुकी है, सारी ज़िंदगी उसने कभी किसी खातून को नहीं देखा, किसी खातून को छुआ नहीं है, किसी खातून का जिस्म उसने नहीं देखा, उसने जिनसी लज्जत हासिल नहीं की, जिनसी इख्तलात करते वक्त जिस्म की और जहन की क्या कैफियत होती हैं, वो उन कैफियत से नहीं गुजरा हुआ। पहली दफ़ा उसे बग़ैर मालूमात दिए हुए दो इंसानों को आप एक दूसरे के करीब कर दें, और उस हालत में जिस हालत में वो कभी पहले नहीं आए, अब जब वो उस हालत में पहली बार आएंगे तो क्या हालत होगी? सारी बात है, वो डरेंगे, खौफ खाएंगे, अंदर से डिप्रेस होंगे, टेंशन होगी उन्हें। एक तो हमारे यहाँ लड़कियों को तो वैसे सिरे से तालीम नहीं होती, अब लड़कों को ही नहीं है तो लड़कियों को कहाँ से सिरे से तालीम होनी है? जिनसी तालीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो नहीं मिली हुई, वो नहीं सिखाया गया कि आदमी के सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, मर्द और औरत ने मुबाशरत के दौरान क्या क्या कुछ करना है, क्या क्या कुछ नहीं करना, अपने जहन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने जिस्म को कैसे कंट्रोल करना है, इसमें सांस इन्वॉल्व है, इसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, इसमें दो जिस्म और दो रूहों का आपस में मिलाप है। देखें,
औरत का सांस वो भी उसने कंट्रोल करना है, अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी, हार्ट बीट को भी उसने कंट्रोल करना है, अपने जहन को, ख्यालात को और हिजान को भी उसने कंट्रोल करना है। इसी तरह से मर्द ने अपने जहनी हिजान को कंट्रोल करना है, ख्यालात के समंदर को कंट्रोल करना है उसने, अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करना है, ब्लड सर्कुलेशन को उसने कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें उसने बनानी है। फिर ख्यालात को उसने कंट्रोल करना है, अपने जिस्म को कंट्रोल करना है, अपने सांस को कंट्रोल करना है, इतनी सारी टेक्निक्स हैं इसमें। फिर मुबाशरत के दौरान और बहुत सारे अवामिल होते हैं, वो हम आपको वक्तन फवक्तन बताएंगे इंशाल्लाह कि मुबाशरत जब आपने करनी है आगाज़ कैसे करना है, सेंटर में कैसे पहुंचेंगे और इख्तिताम आपने किस तरह से करना है, इख्तिताम के बाद आपने क्या करना है, आगाज़ से पहले आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें सीखी जाने वाली हैं। ये एक इल्म है, बिल्कुल जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, मैथ और इंग्लिश लिटरेचर और कंप्यूटर साइंस और इस तरह की दूसरी जो साइंसेज हैं, इसी तरह से सेक्स भी एक साइंस है, मुबाशरत भी एक साइंस है, जिन्सियात एक मौजू है और एक बकायदा इल्म है। लेकिन इसके बारे में हमारे नौजवानों को सिरे से कोई तालीम नहीं दी जाती और ऐसे ही बेचारों को ले दे के पकड़ के जब देखा कि ये अब जवान हो गए, ये कमाने के काबिल हो गए, अब इनकी शादी कर दी जाए, बगैर उनको सिखाए कि शादी क्या होती है, क्यों करनी है, किस मकसद के लिए करनी है, कुछ नहीं बताया जाता। दो मियाँ बीवी को एक दूसरे के करीब कर दिया जाता है, अब उनकी ज़िंदगी के अहदाफ आपस में नहीं मिल रहे होते, उनका जहन नहीं मिल रहा होता, फिर उनको दौरान मुबाशरत की कोई तालीम नहीं होती, तो जारी बात है उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी। अब जब वो कुछ भी करना नहीं जानते, परेशान होंगे, टेंशन में आएंगे, तो फिर एक लफ्ज़ जो बाहर उन्होंने सुना हुआ है नामर्द, वो फौरी तौर पर उस नामर्दी का लेबल अपने ऊपर लगा के कहेंगे कि मैं नामर्द हूँ। और ये लेबल लगाने के बाद फिर अगर उन्होंने कोई इश्तहार पढ़ा है या किसी दोस्त ने मशवरा दिया है, तो फिर वो अताई हकीमों के पास जाएंगे, वो उनको तरह तरह के कुश्ते और नुस्खे और वो सारी चीज़ें जिनकी उसे उन्हें जवानी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वो उनको देंगे, उनकी ज़िंदगी तबाह होगी, पैसे भी उनके ज़ाया होंगे। और वो कुश्ते कई लोगों को तो बनाने भी नहीं आते, ऐसे ऐसे ख़तरनाक कुश्ते, ख़तरनाक तो कुश्ता नहीं होता लेकिन वो बनाने का तरीका ही अगर किसी को ना आता हो तो वो कुश्ता ख़तरनाक हो जाता है और वो जिस्म के ऊपर गलत असर डालेगा, कई लोगों की जान चली जाती है। लोग मसनूई दवाइयाँ खाना, केमिकल की दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं, व्याग्रा खाना शुरू कर देते हैं, नौजवान, छोटे छोटे नौजवान 18-18-20 साल की उम्र में, इंटरकोर्स का ड्यूरेशन 15-15 सेकेंड 20-20 सेकेंड रह गया सिर्फ नौजवानों का, ठीक है। अब इतने सारे मसाइल उनके साथ हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, कहते जी 30 सेकेंड भी हमारा इंटरकोर्स का ड्यूरेशन नहीं है। अब मुझे बताएं कि वो किस जगह पर वो नौजवान जाके सर्वाइव करेगा अपने लिए, जिन्सियात की ज़िंदगी, शादी तो उसने कर ली है, अब वो अपनी शरीक हयात को कैसे मुतमईन करे, शरीक हयात अपने मर्द को कैसे मुतमईन करे, एक दूसरे से किस तरह से वो लज़त हासिल करें, किस तरह से एक दूसरे को सुकून पहुँचाएं, जब उन्हें पता ही नहीं है तो उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती रही, नतीजा फिर लड़ाई झगड़े और अमूमन तलाक तक आ जाता है, ये सारे मसाइल इस वजह से पैदा होते हैं। लिहाजा जो भी जो नौजवान हैं वो अपने आप को नामर्द ना समझें, वो सिर्फ ये समझें कि अभी उन्होंने जिन्सियात की तालीम हासिल नहीं की, सेक्स एजुकेशन के बारे में वो कुछ नहीं जानते, इसलिए अभी उन्हें नहीं पता। जब वो जानने लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके, शुरू शुरू में उनको परेशानी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ओवरकम करते जाएंगे, यूज़ एंड इम्प्रूव होता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ये भी आपको सीखना पड़ेगा, पहली ही रात आप कामयाब नहीं हो जाएंगे, दूसरी रात भी कामयाब नहीं होंगे, तीसरी रात भी कामयाब नहीं, बहुत कम लोग हैं जो कामयाब होते हैं इस तरह से। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को यूज़ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, दो रूहों का आपस में मिलाप है, दो जिस्मों का आपस में मिलाप है, आपको सीखना पड़ेगा इसके बारे में। ये ऐसे ही नहीं चल सकता कि आप बस ज़िंदगी, अब शादी होगी तो बस ऐसे ही गुजर जाएगा, नहीं, इसको बाकायदा आपको सीखना होगा और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लिहाजा नौजवानी में नामर्दी की जो वजूहात हैं, ये मसनूई नामर्दी है या आप समझ लें कि ऐसी ज़हनी नामर्दी है, तजर्बा ना होने की वजह से नामर्दी, आप वैसे नामर्द नहीं हैं। जो भी नौजवान है, बालिग है और अगर रात के वक्त उसे उज़्वे ख़ास में अरेक्शन महसूस होती है, अच्छी तनाव महसूस होता है और उसे जिन्सी कशिश महसूस होती है, उसका इख्तलात करने को या उसका मुबाशरत करने को दिल करता है, वो बालिग है और वो जवान है और वो मर्द है। अब उसे उसका इंटरकोर्स का ड्यूरेशन बहुत कम क्यों है, उसे सूरत अनज़ाल है या उसकी मनी बहुत पतली हो गई है, या बहुत सारे और इस तरह के मसाइल हैं, ये सारे के सारे ना तजर्बाकारी की वजह से हैं, इल्म ना होने की वजह से हैं, मालूमात ना होने की वजह से हैं। वो मालूमात आप सीखते जाएंगे इंशाल्लाह और अज़ीज़ आप कामयाब हो जाएंगे। अब ये मालूमात भी आपने कहीं से भी नहीं ले लेनी, किसी माहिर से लेनी है, ज़रूरी नहीं है मुझसे लें, आप कोई भी जो माहिर हो उससे लेनी है, लेकिन आपको भी पता नहीं चलेगा माहिर कहाँ पर है और कौन कौन माहिर है। मैंने YouTube में देखा है ऐसी बिला वजह ही बात को खींच के लंबा करके और गलत मकासद बयान करते हैं सेक्स एजुकेशन के, जिन्सी तालीम के,
वो है ही नहीं है मकासद, वो मसाइल ही नहीं है, उनको मसला बना के पेश करते हैं। ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ और जज्बात के साथ खेलने वाली बात है। आप इस लाइफ हीलिंग के चैनल पर मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं, इसमें जो मालूमात दी जा रही हैं वो टाइम टेस्टेड है और बिल्कुल वो इल्म के और मालूमात के ऐन मुताबिक हैं, स्टैंडर्ड हैं, इन पर आप अमल करेंगे। इसको आप सीखते रहें जब तक आपको कोई और बड़ा माहिर ना मिल जाए, आप इस पर इस्तफादा करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको इससे बड़ी महारत की चीज़ें और कहीं पर भी शायद ना मिल सकें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।